नमस्ते किसान, नमस्ते भारत। मैं किरण किसान, किसान पाठशाला के साथ, और मैं हूँ आज ओडिशा के टूर पर। ओडिशा का ही कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर अपना बीके का पौधा लगा है, प्लॉट लगा है। ओडिशा की अगर बात करें तो यहाँ पर आज की कंडीशन में, आज की तारीख है 30 मई 2024, लगभग 47-48 का टेम्परेचर है। तो पूरे भारत में है, लेकिन गर्मी में, इतनी गर्मी में आप अगर केला लगाओगे तो सर्वाइव कैसा करेगा? तो इसके लिए जो हम गाइडलाइन देते हैं, नेपियर लगाओ, बीच में मक्का लगाओ, मतलब क्लाइमेट कंट्रोल करो, 70-30 विधि से जाओ, तो इतनी गर्मी में भी आपका पौधा अच्छे से सर्वाइव करेगा। ये आप देख रहे होंगे, 5x9 का ये पौधा लगा है, 2 ड्रिप है 5 फीट के अंतर में, और पौधे से वो पौधा का अंतर है 9 फीट, 5x9 का ग्राफ है। बीच में मक्का लगाया है, सन भी लगाया है, और इस तरह से पौधा पूरा सेट होकर चल रहा है। नए किसान हैं यहाँ पर ओडिशा में जो फर्स्ट टाइम केला की खेती कर रहे हैं, भी किसान किसान पाठशाला की गाइडलाइन से, और आज हम यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। ये प्लांटेशन था, 2 महीने लगभग हो चुके हैं, 27 मार्च का प्लांटेशन है, और इस तरह से काफ़ी हेल्दी तंदुरुस्त पौधा है। ये इतनी धूप में भी सर्वाइव करेगा जो कम साइकिल वाला पौधा हो। बहुत बढ़िया, पूरा मैच्योर हो चुका है और चल रहा है सेट होकर। ये जो इस तरह से आप पूरे खेत में क्लाइमेट कंट्रोल करोगे, हरियाली रखोगे, ग्रीनरी रखोगे, तो आपका पौधे में सर्वाइव करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। एकदम स्वस्थ तरह से पौधा चलेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नमस्ते आशुतोष जी। नमस्ते जी। जी हम, ये किसका प्लॉट है? ये हमारा, मेरा प्लॉट है जी। आपका नाम? शिवानंद साहू। शिवानंद साहू। कितना लगा है टोटल? 5 एकड़ लगा हुआ है। 5 एकड़ में? हाँ। मतलब 5x9 का? 5x9 का। प्लांटेशन तारीख? मार्च 23 को लगा हुआ। 23 मार्च, मतलब 2 महीने हो गए, 2 महीने के ऊपर। हाँ, 1 हफ्ता हो गया। काफ़ी हेल्दी पौधा है आपका, मतलब एकदम सही चल रहा है। थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है जैसे, हाँ, धूप के कारण ना, जैसे ये पौधा सन बन के कारण। नहीं नहीं, वो ठीक है, नहीं आएगा। फ्लोरल बोल ही मत। डेंटासो हर 15 दिन में? हर 15 दिन में डेंटासो को डेंचिंग करना है इधर। हाँ। क्योंकि ये फील्ड में सब धान वगैरह रहता है, तो गोबरीला कीड़ा आता ही है, आता ही है। और एक बार कर दिया तो नहीं चलेगा इधर, साथ में धूप में 15-20 दिन धूप से बचाव के लिए मिट्टी का स्प्रे करना होगा। मिट्टी का स्प्रे करना है, मिट्टी का स्प्रे तो बाकी तो सब अच्छा है। पौधा बढ़िया है, स्वस्थ है, अच्छे से चल रहा है। पत्तों की गैपिंग भी अच्छी है और पत्तों पर मैच्योरिटी सिस्टम भी आ गए हैं। पोंगा सीधा क्लियर निकल रहा है, पूरा स्वस्थ पौधा है। जितना भी मेहनत किया है किसान भाई ने, उसका फल सामने नजर आ रहा है। और किसान की मेहनत और बे किसान की गाइडलाइन दोनों के कॉम्बिनेशन से पौधा बहुत स्वस्थ दिख रहा है। कचरा मल्चिंग भी पूरी तरह से फॉलो किया है। कचरा मल्चिंग के नीचे पूरी स्टॉप भूरी मिट्टी है। कचरा मल्चिंग का फायदा ऐसा होना चाहिए, आपके घर में क्या होता है
हमारे इधर इतना अगर कचरा मल्चिंग कर दिया तो खरपतवार रुकेगा ही नहीं। आपका क्या होगा? क्लाइमेट कंट्रोल के साथ अगर आप करोगे तो मई का महीना है, हाई टेम्परेचर होता है, फिर भी आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ चलेगा। क्लाइमेट कंट्रोल ज़रूरी है। खेती में किस तरह से क्लाइमेट कंट्रोल किया जाए और इतनी गर्मी के धूप में कारण गर्मी के धूप में भी स्वस्थ पौधा कैसे रहे, ये आपको अगर सीखना है तो हम किसान पाठशाला आपको गाइडलाइन देते रहेंगे। जुड़े रहे किसान पाठशाला के साथ। मैं किरण किसान, आशुतोष के साथ, कालाहंडी ओडिशा से। धन्यवाद।